السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Today I'm going to teach Hamd granted by Najm Shiraz. Na tera khuda koi aur hai, na mera khuda koi aur hai. I will translate it and also try to explain it in my own words. So hope you enjoy this. And na tera khuda koi aur hai, na mera khuda koi aur hai. Neither your God is any else, nor my mine is any else. Neither your God is any else, nor mine is any else. Na tera khuda koi aur hai, na mera khuda koi aur hai. Ye jo raaste hain juda juda, ye maamla koi aur hai. Ye jo raaste hain juda juda, ye maamla koi aur hai. These paths are separated from each other. Its affair is something else. Let's repeat again. Na tera khuda koi aur hai, na mera khuda koi aur hai. Ye jo raaste hain juda juda, ye mamla koi aur hai. Neither your God is any else, nor mine is any else. These paths are separated from each other's. Its affair is something else. Kyun nahi dekhta is jahan mein har shay la mahdood hai. क्यों नहीं देखता इस जहां में हर शय ला महदूद है. Why don't you see the world around of everything? Why don't you see the world around of everything? That is infinite or unlimited. Unlimited or infinite का मतलब होता है लामहदूद, यानी जिसे गिना ना जा सके. Why don't you see the world around of everything that is unlimited, that is infinite? क्यों नहीं देखता इस जहां में हर शय लामहदूद है. जब उठी निगाह तो झुक गए, जब उठी निगाह तो झुक गए, ये मामला कुछ और है. जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है. When the vision साइट, इसकी मतलब होता है दोनों का मतलब, विजन बोल लें या साइट बोल लें, दोनों का मतलब होता है नजर. गोज अप एंड इट्स कम डाउन, दिस मैटर इज समथिंग एल्स. व्हेन द विजन गोज अप एंड इट्स कम डाउन, दिस मैटर इज समथिंग एल्स. जब उठी निगाह तो झुक गई, ये मामला कोई और है. अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड गॉड. ये पहाड़ दरख्त और कायनात सब झुके हुए हैं सजूद में. ये पहाड़ दरख्त और कायनात
सब झुके हुए हैं सजूद में, यानी सजदे में, पहाड़, दरख्त, कायनात सब झुके हुए हैं तेरी इबादत करने में। दीज माउंटेन्स ट्रीज एंड यूनिवर्स, दीज माउंटेन्स ट्रीज, दीज माउंटेन्स ट्रीज एंड यूनिवर्स ले डाउन देयर हेड्स इन प्रोस्ट्रेशन। These mountain trees and universe lay down their heads in prostration. ये पहाड़, दरख्त और कायनात सब झुके हैं तेरे सजूद में, यानी तेरे सजदे में। न तेरा खुद न बन सका न बना सका वो, न बन सका सॉरी टू से सॉरी ना तू बन सका ना बना सका वो, नेदर यू बिकेम, नेदर यू बिकम येट नोर क्रिएटेड वन, नेदर यू बिकेम बिकम येट नोर क्रिएटेड वन। ना फिर भी ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। इन दो शेरों को अगर एक साथ पढ़ें तो फिर ही समझ में आएगा कि क्या बोला गया है। ना तू बन सका ना बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ, यानी तू कुछ बन भी ना सका, ना तूने कुछ बनाया, कुछ अमल भी ना किए, ना कुछ किए, लेकिन वो जो हस्ती है, जो जो खुदा है, वो तुझसे जुदा नहीं हुआ। लेकिन आज के ज़माने में हम किसी से कोई गलत बात कर दें, कुछ कर दें, वो हमसे जुदा हो जाता है जस्ट फॉर वन रीज़न। लेकिन ये खुदा, वो हस्ती है जो तू लाख गुना, हम लाख गुना करते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं, वो हमें धुतकारता नहीं, वो हमें छोड़ कर नहीं जाता। ना तू बन सका ना बना सका वो, ना फिर भी तुझसे जुदा हुआ। नेदर यू बिकम येट नोर क्रिएटेड वन, ही इवन नेवर बीइंग लेफ्ट यू अवे, उसने कभी तुझे अकेला छोड़ा नहीं, वो ऐसा मौला है। ये सब उसी के हैं फैसले, ये सब उसी के हैं फैसले। दीज ऑल आर हिज कमांड्स, दीज ऑल आर हिज डिसीजन, ये सब उसी के फैसले हैं, ये सब उसी के हैं फैसले। तू जान कर भी अनजान है, तू जान कर भी अनजान है। यू नो इट बट स्टिल इग्नोरिंग नेग्लेक्टिंग इट, यू नो इट बट स्टिल इग्नोरिंग इट, यू नो इट बट स्टिल निग्लेक्टिंग इट। तू सब कुछ जानता है, तू ये भी जानता है इस काम से अल्लाह नाराज़ होगा और इस काम से अल्लाह राज़ी होगा, फिर भी तू जान कर भी अनजान बनता है। तू उस रब को नाराज़ करता है जो तुझे तुझसे लाख लाख गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह कहता है, ऐ आदम की औलाद, ए आदम की औलाद, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह फरमाता है कि ए आदम की औलाद, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं कहा कि मोमिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ये नहीं कहा मुसलमान मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, ये कहा कि ए इंसान मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ,
इंसान किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फिरके से हो, लेकिन अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, चाहे वो उसका गुनाहगार ही क्यों ना हो, चाहे वो लाख बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। ये सब जान कर भी तू अनजान बनता है, फिर भी अल्लाह को नाराज़ करता है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, नेदर योर गॉड इज़ एनी एल्स नोर माइन इज़ एनी एल्स। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। दीज पार्ट्स फास फास, ये लफ्ज़ मेरे छाले हुए हुए हैं, मुंह पका हुआ है, सो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। दीज पार्ट्स फास, लफ्ज ही नहीं निकल रहा, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट्स अफेयर्स, इट्स अफेयर इज समथिंग एल्स। क्यों शिर्क में तू फंसा हुआ है, क्यों नूर से तू दूर है, क्यों शिर्क में तू फंसा हुआ है, क्यों नूर से तू दूर है। वाई आर यू ट्रैप इन फैगनीजियम, वाई आर यू ट्रैप इन फैगनीजियम। कुफुर को कहते हैं, शिर्क को कहते हैं पैगनीजियम, फैगनीजियम। क्यों नूर से तू दूर है, वाई आर यू अवे फ्रॉम द लाइट द ट्रुथ। के अल्लाह को छोड़ के इंसानों से मांग रहा है, पत्थरों से मांग रहा है, कब्रों से मांग रहा है। हर इंसान जो अल्लाह का नेक बंदा है उससे मांग रहा है, लेकिन अल्लाह से नहीं मांग रहा। कभी सोचा है आपका ईमान ही ना रहा तो अल्लाह आपको माफ़ करेगा? वो बेशक माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर तुम जान जाओ कि तुम शिर्क में मुब्तिला हो और फिर भी करो, तो फिर माफ़ करेगा वो? वो फिर भी माफ़ कर सकता है, लेकिन हम जो हैं वो अकड़े हुए हैं, गुरूर में मुब्तिला हैं, कुफुर में मुब्तिला हैं। बस हमें हमारे अलावा कोई दिखता नहीं। प्लीज थिंक अबाउट इट, वाई आर यू ट्रैप इन फैगनीजियम, वाई आर यू अवे फ्रॉम द लाइट द ट्रूथ। क्यों शिर्क में है तू फंसा हुआ, क्यों नूर से तू दूर है, क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं इला कोई और है। क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं कोई इला, नहीं इला कोई और है। वाई आर यू रिमेन अराउंड हेयर एंड देयर, वाई आर यू मूव अराउंड हेयर एंड देयर। देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, देयर इज नो एनी अदर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई जात नहीं जो तेरी मदद कर सके। तो इधर उधर क्यों भटक रहा है बंदे, इंसानों के पीछे भटक रहा है, लोगों के पीछे भटक रहा है, लोगों से आस लगाए हुए है, जिससे होप लगाना है उसे छोड़ के बाकी सब से तूने आस लगा ली, लेकिन एक बार सजदे में गिर के अपने रब से मांग के तो देख। क्योंकि जिससे तू मांगता है, जिससे भी तू मांग, पत्थरों से मांग, इंसानों से मांग, अल्लाह तुझे तेरी नियत के हिसाब से देगा। देगा ज़रूर अल्लाह, लेकिन वो उस हर इंसान को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अल्लाह उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। लेकिन अगर मैं पत्थर से मांगू नाउज़ बिल्ला, तो अल्लाह मुझे ज़रूर देगा, लेकिन मैं शिर्क में मुब्तिला रहूँगा।
अगर मैं कब्र से मांगूंगा तो कब्र वाला नहीं देगा, अल्लाह देगा, लेकिन मैं शिर्क में मुब्तिला रहूंगा और अल्लाह मेरी रस्सी को ढीली छोड़ देगा। जितना गुनाह करना कर बंदे, मैं तुझे देता रहूंगा, क्योंकि तूने मुझसे नहीं मांगा, तूने उन बंदों से मांगा जो खुद अब जिंदा नहीं, तूने उन पत्थरों से मांगा जो बेजान हैं, तूने उन लोगों से मांगा जो मेरे बनाए हुए हैं। कभी सोचा है अल्लाह को कितना दुख होता होगा जब तुम उसे छोड़कर किसी और से मांगते हो, बेशक वसीले के नाम पे मांगते हो या किसी भी नाम से मांगो, लेकिन अल्लाह से मांगो, किसी और से ना मांगो। क्यों घूमता है यहाँ वहाँ, नहीं इला कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। सॉरी, नदर योर गॉड इज एनी एल्स, नोर माइन इज एनी एल्स, दीज पार्ट्स आर सेपरेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स, इट्स अफेयर इज समथिंग एल्स। जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है, जिसे ढूंढता यहाँ वहाँ है, दिल में तेरे मौजूद है, जिसे तू ढूंढ रहा है सकून को, जिस सकून को, जिस ख्वाहिश को मांग रहा है इधर उधर, जिस रब अजीम को तू ढूंढ रहा है इधर उधर भटक भटक के, अपने दिल में झांक के देख, वो वहाँ मौजूद है। होम यू सर्च हेयर एंड देयर, जिसे ढूंढता यहाँ वहाँ है, ही ड्वेल्स इन योर हार्ट, इट प्रेजेंट इन योर हार्ट, वो दिल में तेरे मौजूद है। होम यू सर्च हेयर एंड देयर, ही ड्वेल्स इन योर हार्ट, जिसे तू यहाँ वहाँ ढूंढता है, वो तेरे दिल में मौजूद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड गॉड, जिसे ढूंढता है यहाँ वहाँ, दिल में तेरे मौजूद है। होम यू सर्च हेयर एंड देयर, इट प्रेजेंट इन योर हार्ट, जिसे मिल गया एक बार वो, जिसे मिल गया एक बार वो, उसी दिल में असरे सजूद है। होम वन अचीव डैट, होम वंस अचीव डैट, द प्रोस्ट्रेशन एज इज इन दैट हर्ट, द प्रोस्ट्रेशन एज इज इन दैट हर्ट, जिसने उसे पा लिया एक बार, उसके दिल में मौजूद है वो। एक बार झांक के देख, एक बार उसे पुकार के देख, एक बार गुनाहों की माफी मांग बंदे, उस रब जिसने पूरी कायनात को बनाया, क्या वो तेरी नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, लेकिन तुझ में सिर्फ और सिर्फ कमी क्या है कि तुझे तेरी दुआ पे यकीन नहीं, तुझे सिर्फ इस बात का यकीन है कि तू फला बंदे के पास जाएगा तो तेरी दुआ कबूल होगी, लेकिन इस चीज़ का यकीन नहीं कि तू अपने रब से मांगेगा तो कबूल होगी। एक दफ़ा अपना यकीन अपने आप में करके देख, ज़रूर तेरी दुआ इंशाल्लाह कबूल होगी। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। नेदर योर गॉड इज एनी एल्स, नोर माइन इज एनी एल्स,
These parts are separated from each other. Its affair is something else. एक बात अक्सर मैं सोचता हूँ, मेरे अल्लाह ने तमाम इंसानों को बनाया, तो मैं क्यों नफरत करूँ इंसान से, चाहे वो मेरे मज़हब का हो या ना हो। वाए सोचे ज़रूर, क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह कहे नफरत करो किसी से? नहीं, ये सिर्फ हमारी सोच है। इसीलिए शायर कहता है, नदर योर गॉड इज एनी एल्स नोर माइन इज एनी एल्स। दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट्स अफेयर समथिंग एल्स। बहुत गहराई वाली बात है, समझे। शायद मैं जाहिल इंसान हूँ, मुझे ना समझ में आया हो, मैं पागल हूँ थोड़ा सा शायद इसलिए। जो पढ़ा दिया इंसान को रहमान है रहीम है, हु एजुकेटेड द वुमेन इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द फॉरगिविंग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो पढ़ा दिया इंसान को रहमान है रहीम है, हु एजुकेटेड द हुमन इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द फॉरगिविंग। जब पास था तो किताब थी, पढ़ा दिया तो कुरान है। वैन इट वॉज नियर इट वॉज बुक, वैन इट वॉज टॉट देन इट इज़ द होली कुरान। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। नदर योर गॉड इज एनी एल्स नोर माइन इज एनी एल्स, दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स, इट्स अफेयर इज समथिंग एल्स। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के दौर हैं, फिर इबादतों के हैं सिलसिले, अगेन द चेन ऑफ प्रेइंग, अगेन द एज ऑफ वैक्सेशन पेन। इन दोनों का मतलब, वैक्सेशन एंड पेन, इन दोनों का मतलब दर्द तकलीफ होता है। फिर इबादतों के हैं सिलसिले, फिर कुर्बतों के हैं दौर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो ना झुक सका वो ना पा सका, ये ही सिलसिला हर दौर है। हु हैज नॉट बाउड ही कुडन कैट, दिस चेन इज इन एवरी एरा। जो ना झुक सका वो ना पा सका, हु हैज नॉट बाउड ही कुड नॉट कैट, यही सिलसिला हर दौर है। दिस चेन इज इन एवरी एरा। न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। तू क्यों पूजता है इंसान को, अल्लाह ही तो माबूद है। तू क्यों पूजता है इंसान को, अल्लाह ही तो माबूद है। Why do you worship the human, the idols? तो क्यों पत्थरों को इंसानों को पूछता है? The Allah is only worship worthy to worship. सिर्फ इबादत के लायक अल्लाह है, अल्लाह ही तो माबूद है। जो इबादत के लायक है, Allah is only worthy to worship God, Allah, Allah, Allah. फिर क्यों है तू गुना, फिर क्यों है तू गरूर में जो ना झुक सका वो फिरौन है। फिर क्यों है तू गरूर में जो ना झुक सका वो फिरौन है। Why are you still in pride? Why are you still in pride? Who did not bow? He is
फारो, इसका प्रोनाउंसिएशन फारो, फारो, हु डिड नॉट डाउट, ही इज द फारो, फारो मीन्स फिरौन, ना तेरा खुदा कोई और है, नदर इज योर गॉड एनी एल्स नोर माइन, दीज पास्ट थॉट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट्स अफेयर समथिंग एल्स, एक बार फिर तू सोच ले, वंस अगेन यू थिंक, एक बार फिर तू सोच ले, वंस अगेन यू थिंक, वही रब्बे अर्शे करीम है, ही इज़ द क्रिएटर, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ मर्सीफुल स्काई, ही इज़ द क्रिएटर एंड द मर्सीफुल ऑफ द स्काई, ही इज़ द क्रिएटर, ये डबल लाइन हो गई, ही इज द क्रिएटर ऑफ मर्सीफुल स्काई, गॉड अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक बार फिर तू सोच ले, वंस अगेन यू थिंक, वही रब्बे अर्शे करीम है, ही इज द क्रिएटर ऑफ मर्सीफुल स्काई, जो ना झुक सका वो मिट गया, यही सिलसिला हर दौर है, हु हैज नॉट बाउड ही हैड लॉस्ट, यही सिलसिला हर दौर है, दिस चेन इज इन एवरी एरा, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, नेदर योर गॉड इज एनी एल्स नोर माइन इज एनी एल्स, दीज थॉट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इट्स अफेयर इज समथिंग एल्स, यार अब तू मुझको बख्श दे, यार अब तू मुझको बख्श दे, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, माय लॉर्ड फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी, माय लॉर्ड फॉरगिव मी, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, यार अब मुझे तू बख्श दे, माय लॉर्ड फॉरगिव मी, बंदा तो गुनाहगार है, दिस स्लेव इज द सिनर, अल्लाह 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 अल्लाह, इस आस पर पड़ा हूँ मैं सजदे में रब्बे करीम के, इस आस में पड़ा हूँ मैं सजदे में रब्बे करीम के, आई एम वेटिंग फॉर दिस होप, बाउ माई हेड फॉर द मर्सीफुल अल्लाह, जो मैं गिर गया था मकाम से, तू तो रब्बुल रब्बे आली मकाम है, जो मैं गिर गया था मकाम से, तू तो रब्बे आली मकाम है, फ्रॉम दैट प्लेस आई फेल डाउन, यू आर द लॉर्ड ऑफ हाई प्लेस, यू आर द लॉर्ड ऑफ हाई प्लेस, प्लीज फॉरगिव मी अल्लाह, रब्बना फिर लना, गॉड कीप मर्सी अपॉन अस, अल्लाह हम पर रहम फरमा, गॉड कीप मर्सी अपॉन अस, अल्लाह हम पे रहम फरमा, इस हमसे आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, बट प्लीज अगर कोई मुश्किल आती है तो अल्लाह को याद करो, अल्लाह के बंदों को नहीं, अल्लाह के बंदे सिर्फ मतलब के लिए आपका काम करेंगे, लेकिन अल्लाह को आपसे कोई मतलब नहीं, इवन उसे आपकी नमाज़ या आपकी इबादत की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाखों करोड़ों फरिश्ते उसकी इबादत में मशगूल हैं हर वक्त, वो बस आपसे चाहता है, क्या चाहता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ
आपका इम्तिहान है कि आप अपने नफ्स को काबू कर सकते हैं या नहीं, आप उसके नबी के नक्श कदम पे चल सकते हैं या नहीं, आप उस अल्लाह को राजी कर सकते हैं या नहीं। मैं एक बात कहना चाहूँगा सबसे, प्लीज लिसन केयरफुली एवरीवन, इवन एवरी मुस्लिम से आई लव मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हर मुस्लिम कहता है मुझे नबी से मोहब्बत है, वाई आर यू नॉट फॉलो हिम? फिर आप उस उनकी पैरवी क्यों नहीं कर रहे? आप में वो इखलाक नहीं है क्यों? यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर। आप अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर सकते, वाई? इवन यू कैन नॉट रिमूव योर हेट डिसलाइक। माय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट डिसलाइक एनीवन, इवन ही इज मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। मेरे नबी ने तो किसी से नफरत नहीं की, किसी को नापसंद नहीं किया, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हम दावा करते हैं नबी के आशिक होने का, लेकिन उनकी पैरवी हम नहीं कर पाते, पर कोशिश तो कर सकते हैं, उम्मीद तो लगा सकते हैं, नियत तो कर सकते हैं कि वो काम जो मेरे नबी ने किए वो करेंगे। कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। अक्सर होता है कि हम लोग नात खानी लगा देते हैं गलियों में, स्पीकरों पे, हमें ये भी परवाह नहीं होती कि सामने कोई, किसी घर में कोई मरीज है, किसी के घर में कोई बीमार है, कोई ऐसा है जो सो नहीं पाता। तो प्लीज़, मेरे नबी ने किसी को तकलीफ़ नहीं दी, तो आप किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं? यू आर गिविंग अ पेन। ऐसा कभी कोई काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ़ हो। पढ़नी है एक कमरे में पढ़ें, तारीफ़ करनी है एक कमरे में तारीफ़ करें। और आजकल का निज़ाम ऐसा आ गया है कि अल्लाह का नाम पहले आता था फिर नबी का आता था। अब अल्लाह का नाम अल्लाह की तिलावत को छोड़ के डायरेक्ट नाते शुरू कर दी जाती है। कहीं मेरे अल्लाह की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं हो रही, ये भी सोच लिया करें। और एक और बात, नात खानी में आप लोग जाते होंगे, वहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा, अब मेरे नबी की तारीफ कम और पीरों की तारीफ ज़्यादा हो गई है। क्या मेरे नबी से बढ़ के तुम्हारा पीर है? ये तो नहीं सोचो ना, हमेशा पहले अल्लाह फिर नबी। इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि मेरे नबी की डिसरिस्पेक्ट ना हो, मेरे अल्लाह की डिसरिस्पेक्ट ना हो। यही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। कोई बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी फॉर दिस, बिकॉज व्हाट व्हाट आई हैव इन माय माइंड, इन माय हार्ट, आई जस्ट सेड। जो भी मेरे दिल में था मैंने कह दिया। सो प्लीज इफ यू माइंड, सो आई एम सॉरी फॉर दिस, बट दिस थिंग रियली रियली हर्ट मी। ये चीज़ मुझे बहुत दुख देती है कि मेरे नबी को छोड़कर, मेरे नबी की पैरवी छोड़कर वो कामों में लग गए जिन कामों को
मेरे नबी ने भी ना किया हो। ऐसे कामों को ना करें, किसी को दुख ना दें, किसी की तकलीफ किसी को तकलीफ ना दें, अपनी खुशी के लिए किसी को तकलीफ ना दें। जस्ट दिस इज एंड अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अस्त लविस्ता, चाओ। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए अगर कोई गलती हुई है। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।